फ्रेंड्स वेलकम टू एम के वी स्पेशल टेक एजुकेशन। माई डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फाइनल ज्वाइनिंग के बारे में बात करेंगे। अलग अलग डिवीजन से कैंडिडेट्स ने रेलवे के अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन किया हुआ है। जैसे कि बात करेंगे अलग अलग डिवीजन के अप्रेंटिसशिप के बारे में, तो अप्रेंटिसशिप के बहुत सारे कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आपका इंतज़ार यहां पर ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का डेट यानी 7 सितंबर को ये अपडेट आया हुआ है। यहां पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर अप्रेंटिसशिप के लिए देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रीसियन ट्रेड, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, फिटर ट्रेड, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक में जिन्होंने 1961 एक्ट के तहत, अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत आवेदन किया हुआ था, उनका फाइनल ज्वाइनिंग के लिए यहां पर आ गया है लिस्ट। तो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिन्हें 1961 एक्ट के तहत, अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत उनको 22 सितंबर 2021 को ज्वाइन करना है, उन सारे कैंडिडेट्स के यहां पर आप नाम देख पाएंगे। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप ज़रूर चेक करें और आपको ज्वाइनिंग के लिए दिए गए एड्रेस पर जाना होगा। तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी होंगी, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित उम्मीदवार जिनका अर्जी तौर पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप हेतु चयन किया गया है, इनको निर्धारित अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए इस कार्यालय में दिनांक 22 सितंबर 2021 तक उपस्थित होना है। तो बात करेंगे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं उनका नाम, उनके फादर का नाम और उनके एड्रेस और पिन कोड सहित एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं, मैं लिस्ट को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रीशियन वाले ट्रेड के कैंडिडेट्स की लिस्ट है और इनमें अपना नाम आपको चेक करना है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो जिस डेट पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है उस डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाना है। डियर गाइज, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस करके आल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट है और यहाँ पर अब हम बात करेंगे डीजल मैकेनिक वाले कैंडिडेट्स की। तो जो डीजल मैकेनिक, यहाँ पर आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट हों या कोई भी ट्रेड वाले, लास्ट में जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं, तो आप जो है अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप ज़रूर पढ़ें। डीजल मैकेनिक वाले कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो जो डीजल मैकेनिक वाले कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट में ये नाम है, उनके फादर के नाम के साथ अपना एड्रेस और पिन कोड सहित यहाँ पर नाम को अंकित किया गया है। तो आप इस लिस्ट में अपना नाम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लिस्ट को धीरे धीरे स्क्रॉल किया जा रहा है ताकि आपको इस लिस्ट में अपने नाम चेक करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो हो गए 15-17 कैंडिडेट डीजल मैकेनिक वाले हो गए, है ना। अभी हम बात करेंगे मशीनिस्ट ट्रेड की। तो जो मशीनिस्ट ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं उनका नाम भी, फादर का नाम, अपना पता और पिन कोड के साथ यहाँ पर दिया गया है। तो मशीनिस्ट ट्रेड के कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपने लिस्ट में नाम चेक कर लेना है कि क्या इनका इस लिस्ट में नाम है, और अगर लिस्ट में नाम है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको दिए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, फाइनल ज्वाइनिंग के लिए ये लेटर है तो ज्वाइनिंग आपको करना होगा। तो ये जो है कौन से ट्रेड हैं, मशीनिस्ट ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं, ओके। अभी हम बात करेंगे फिटर ट्रेड के कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पर फिटर ट्रेड के कैंडिडेट्स का नाम, उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस और पिन कोड सहित एड्रेस, नाम सब दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है लिस्ट में अपना नाम चेक करें, और अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप ज्वाइनिंग के लिए दिए गए एड्रेस पर जा सकते हैं, दी गई डेट पर जा सकते हैं। तो ये फिटर वाले कैंडिडेट्स हैं, ओके। अभी हम बात करेंगे वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड वाले कैंडिडेट्स। तो ये वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक वाले कैंडिडेट्स हैं यानी वेल्डर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं। तो ये कैंडिडेट्स का सिलेक्शन फाइनल ज्वाइनिंग के लिए हो चुका है, और अभी यहाँ पर आपको बोला गया है कि एनेक्सर एक, आपको एनेक्सर वन जो है ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ बोला गया है कि उम्मीदवारों को अवगत कराया जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा जो ज्वाइनिंग के लिए आप जाएंगे तो वो रेलवे नहीं देगा, है ना।
तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। यहाँ बोला गया है कि एनेक्सर का में जो चरित्र प्रमाण पत्र है इसको भरकर आपको कार्यालय को देना होगा। यहाँ पर बोला गया है कि यूनिफॉर्म भी आपको पहननी होगी जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान यूनिफॉर्म मिलेगी। यहाँ पर 22 सितंबर 2021 को जब आप रिपोर्ट कर नहीं पाएंगे या किसी कारणवश नहीं रिपोर्ट कर पाएंगे तो आपका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग के लिए बाद में नहीं बुलाया जा सकता या नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर आपको जितने भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको लेके जाना होगा। आईटीआई की मार्कशीट है, टेंथ की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आपको लेकर वहाँ पर जाना होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी ले जाना है और शैक्षणिक प्रमाण पत्र और टेक्निकल प्रमाण पत्रों की कुछ सत्यापित प्रतियां करवाकर भविष्य में प्रयोग करने हेतु अपने पास रखें। तो यहाँ बोला गया है कि अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको उनकी कॉपी करा के उन्हें सत्यापित कराना है, यानी किसी गैजेटेड ऑफिसर जैसे प्रिंसिपल, डॉक्टर या कॉलेज के प्रोफेसर से आप जो है यहाँ पर सत्यापित करा सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो कॉल लेटर आया हुआ है इसका प्रिंट आउट भी लेकर जाना है। ओके, तो जो कॉल लेटर आप अभी देख रहे हैं ये कॉल लेटर का आपको प्रिंट भी लेना होगा और ले जाना होगा। तो जो जानकारी आपको इसमें दी गई है इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता, ऐसा वहाँ उन्होंने कहा है। चरित्र प्रमाण पत्र का जो प्रोफार्मा है वो अनुलग्नक का यानी एनेक्सर का में दिया गया है और इस एनेक्सर में जो चरित्र प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा है बनाकर आपको भरकर ले जाना होगा ये, ठीक है। तो ये जो कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहली बात ये DMW पटियाला का जो है ज्वाइनिंग लेटर है और DMW पटियाला में जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया हुआ था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था, PDF बनाकर जो है स्कैन करके आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हुआ था। अब किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है आप देखिए, यहाँ आपको गाइडलाइंस दी गई है कि वियरिंग ऑफ फेस मास्क, फेस कवर एंड येलो ग्रीन कैरिड स्ट्रैप विद आई कार्ड बाय ऑल द ट्रेनीज मैंडेटरी इन DMW, कलर्ड स्ट्रैप विद आई कार्ड होल्डर शैल बी प्रोवाइडेड इन DMW। यानी आपको यहाँ पर मास्क को नहीं निकालना है, मास्क हमेशा कवर करके रखना है और यहाँ पर आपको दिया जाएगा ग्रीन कलर्ड आईडी कार्ड होल्डर दिया जाएगा, तो यहाँ पर DMW की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि आपको मास्क पहन के रखना है, COVID-19 के नियमों का पालन करना है। अगला पॉइंट कहा गया है कि द ट्रेनीज रिजाइडिंग इन पंजाब हैव टू सबमिट द नेसेसरी डिक्लेरेशन, जो है डिक्लेरेशन डिटेल उन्हें सबमिट करना होगा जो पंजाब के कैंडिडेट हैं। आउट ऑफ पंजाब के कैंडिडेट को रेलवे हॉस्पिटल से जो है फॉर्म भरवा के ले जाना होगा और यहाँ पर जो कैंडिडेट आउट ऑफ पंजाब के हैं उन्हें हॉस्पिटल में जो है क्या होना होगा, क्वारंटाइन होना होगा 14 दिनों के लिए। तो जो कैंडिडेट आउट ऑफ पंजाब से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल में 14 दिनों तक क्वारंटाइन रखा जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगली बात बोली गई है कि देयर इज़ नो अरेंजमेंट फॉर सेफ स्टे ऑफ एनी ट्रेनीज इन DMW कैंपस, यानी किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट यहां पर अभी DMW पटियाला की तरफ से नहीं किया गया है। तो सारा अरेंजमेंट आपको यहां पर करना है ट्रेनिंग के, जब ट्रेनिंग आपकी पीरियड ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाएगी क्वारंटाइन के टाइम का यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी प्रकार का अरेंजमेंट वहाँ पर नहीं किया गया है ना। यहाँ बोला गया है कि न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड पंजाब मस्ट कैरी विद देम द आइडेंटिटी स्लिप प्रोवाइडेड ऑनलाइन बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट DMW पटियाला फॉर आइडेंटिफिकेशन इन DMW रेलवे हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट न्यू ज्वाइन होंगे यानी जो नए कैंडिडेट होंगे जाने के लिए उन्हें अपना आईडी कार्ड संभाल के रखना है और जो आईडी कार्ड DMW पटियाला की तरफ से दिया जाएगा आपको उसे आपको संभाल के रखना है। अगला पॉइंट बोला गया है कि ट्रेनीज अप्रेंटिस एंटरिंग द TTC। तो यहाँ पर सबसे विशेष बात आप यहाँ पर देख रहे हैं TTC यानी है टेक्निकल ट्रेनिंग सेल यानी एडमिन बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपको जो है रिपोर्ट करना है, तो वेन्यू का अगर या एड्रेस का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को देख सकते हैं। TTC यानी दिया गया है टेक्निकल ट्रेनिंग सेल में आपको डॉक्यूमेंट, आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के लिए दिखाना होगा।
टेक्निकल ट्रेनिंग सेल में आपको यहाँ पर जो है रिपोर्ट करना है, तो एड्रेस आपका यही हो जाएगा टेक्निकल ट्रेनिंग सेल। इसके अलावा आपको अपनी सेफ्टी इंश्योर खुद को करना है, आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए और इससे रिलेटेड सारी सुविधाएं या सावधानियां आपको रखनी है। इसके अलावा यहाँ बोला गया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ 6 फीट अमॉन्ग ट्रेनीज, यानी दो ट्रेनियों के बीच में 6 फीट का गेप आपको रखना है और क्लासरूम सेशन के दौरान भी आपको जो है ये मेंटेन करके रखना है। तो सारी चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि अगर कोई गुटखा खाता है कहीं थूकता है तो उसे पनिश किया जाएगा। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है यानी प्रतिबंधित है। तो यहाँ पर आपके हेल्थ का स्टेटस, फीवर कप जो है बराबर चेक किया जाएगा, जो कि DMW के कंसर्न्ड SSC यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर होंगे वो आपका जो है रिकॉर्ड रखेंगे। इसके अलावा आल जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट का गाइडलाइंस हैं उन्हें आपको फॉलो करना है। अगर आपको ये गाइडलाइंस या आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।